तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आरती ड्रग्स के स्टॉक के बारे में। आरती ड्रग्स के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार के लिए डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको स्टॉक में लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर स्टॉक ने बीच बीच में यहाँ पर रिकवर करने की भी कोशिश की लेकिन यहाँ पर स्टॉक कभी भी अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और हमको स्टॉक में लगातार गिरावट ही देखने को मिली है। लेकिन अभी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से हमको अगेन यहाँ पर स्टॉक में रिकवरी देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में अराउंड 4% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। साथ ही आज की तेज़ी के साथ हमको यहाँ पर स्टॉक में एक ब्रेकआउट भी यहाँ पर देखने को मिला है। ब्रेकआउट की बात करें तो जो ये स्टॉक है ये पिछले कुछ समय से यहाँ पर लगातार 499 का जो लेवल है इसी के नीचे यहाँ पर ट्रेड कर रहा था लेकिन आज स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात कर रहे हैं यहाँ से अगर स्टॉक में ये तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो यहाँ से भी और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 517 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देने यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 550 देने यहाँ से हमको स्टॉक में 570 और अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 600 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में 650 और 700 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 499 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 476 और 457 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग फिलहाल नहीं है। वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। धन्यवाद।